Start with the name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Assalamu alaikum, dear viewers. Hope you are all fine and doing well. Myself, Nargis Parvez, dear students. Today in this video, we are going to learn unit number 2 of class 4, English, Beauty of Nature. Aaj hum unit number 2 ki reading karenge with translation. Beauty of Nature, Beauty means khubsurti, Nature, Kudrat, yani ki kudrat ki khubsurti ke baare mein hum aaj padhenge. इन पेज नंबर 13 डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है लर्निंग आउटकम्स में हमारे पास है आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू, कि यानी ये यूनिट पढ़ने के बाद आप में ये सब एबिलिटीज पैदा होंगी जो कि यहाँ पर रिटन है. देन मूव टू पेज नंबर 14. इन पेज नंबर 14 वी हैव गेटिंग स्टार्टेड में हमारे पास है द बटरफ्लाई इज़ अ ब्यूटिफुल एंड कलरफुल इंसेक्ट्स. तितली बटरफ्लाई एक खूबसूरत और रंगीन कीड़ा है. इंसेक्ट माने होता है कीड़ा. कलरफुल रंगीन ब्यूटिफुल खूबसूरत बटरफ्लाई तितली. द बटरफ्लाई इज़ अ ब्यूटिफुल तितली एक खूबसूरत एंड कलरफुल रंगीन इंसेक्ट कीड़ा है. बट लेकिन How does it get its color? लेकिन ये इसने किस तरह ये कलर हासिल किए. Is it born the way it is? Born माने पैदा होना. क्या ये पैदा ही ऐसे हुई है? Let's see how a butterfly grows. तो चलें देखते हैं किस तरह से जो butterfly है वो grow करती है, किस तरह से वो बढ़ती है. This is the life story of a butterfly. तो ये butterfly की life story है जिसे हम life cycle भी कहते हैं butterfly का. तो इसे देख लेते हैं. ये देखें सबसे पहले जो है ये इसने जो है एक डंडी है और उस पर ये life cycle के जो हैं वो सारे stages ले गए हैं, दे दिए गए हैं. तो जो first stage है इसका मैंने इसको naming कर दिया है, label कर दिया है. Egg है, then जो है वो caterpillar या फिर larva, और then pupa, और फिर जो है इमर्जिंग बटरफ्लाई, और देन बटरफ्लाई. यानी कि ये सारे इसके स्टेजेस हैं, ये सारे स्टेजेस को क्रॉस करके गुजर के फिर जो है ना वो बटरफ्लाई बनती है. तो दिस इज कॉल्ड अ लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, राइट. नाउ लेट्स टॉक में हमारे पास है नेम द स्टेजेस यू सी इन द पिक्चर एंड शेयर विद योर क्लासमेट्स. क्या कह रहे हैं कि जो नेम लग करें इन स्टेजेस को, जो ये स्टेजेस हैं इनको नेम करें यू सी इन द पिक्चर, जो कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, और शेयर करें अपने क्लासमेट के साथ, अपने क्लास फेलो के साथ. पहले तो इनकी लेबलिंग करें, देन उनको अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें. तो लेबलिंग मैंने कर दी है, नेम इनको मैंने दे दिए हैं, आपने भी इसी तरह से जो है राइट डाउन कर लेने हैं और अपने क्लासमेट के साथ इसे शेयर कर लेना है. देन सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है कैन यू नेम सम अदर इंसेक्ट्स. क्या आप कुछ और इंसेक्ट्स के जो हैं वो नाम बता सकते हैं या नाम लिख सकते हैं? तो यस, आंट एंड हनी बीज आर आल्सो इंसेक्ट. तो हनी बीज और आंट जो हैं वो भी इंसेक्ट्स हैं. ये मैंने दो लिख दिए हैं, वैसे बहुत सारे हैं. आप और सोचें और जो हैं वो राइट डाउन करें. नाउ मूव पेज नंबर फिफ्टीन. इन पेज नंबर 15 वी हैव कैटरपिलर. पोएम है ये, ठीक है. सबसे पहले पोएम को रीड करने से पहले हमारे पास दो क्वेश्चंस प्री रीडिंग के हैं. प्री माने होता है पहले, ठीक है. ये रीडिंग यानी कि रीडिंग करने से पहले जो है दो क्वेश्चंस हैं, हमने इनको आंसर करना है, देन हम इसकी रीडिंग करेंगे. पहला क्वेश्चन है रीड द टाइटल एंड गेस व्हाट द पोएम कैन बी अबाउट. क्या कह रहे हैं कि टाइटल जो है, ये टाइटल जो है कैटरपिलर लिखा हुआ है, इसको आप रीड करें और गैस करें कि ये पोएम जो है वो किस बारे में है. अबाउट माने के बारे में. तो इसका आंसर मैंने लिख दिया है आई गेस दिस पोएम इज अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ कैटरपिलर. या तो ये पोएम जो है मैंने साथ में बटरफ्लाई भी लिख दिया है, ठीक है. आई गेस दिस पोएम इज अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ कैटरपिलर और बटरफ्लाई. कैटरपिलर के लाइफ साइकिल के बारे में हो सकती है या फिर बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल के बारे में होते हैं. तो इस पोएम से हम ये गैस करते हैं. द सेकेंड क्वेश्चन इज वाट डू यू नो अबाउट कैटरपिलर. कि आप कैटरपिलर के बारे में जो हैं वो क्या जानते हैं. अ कैटरपिलर इज अ लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई. इट इज इंसेक्ट्स. ये एक इंसेक्ट्स है और ये लार्वा होता है उसका बटरफ्लाई का. या इट ईट्स ग्रास, ठीक है. इट ईट्स ग्रास एंड इट हैज
मैनी कलर्स, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं जो कैटरपिलर के बारे में पूछ रहे हैं। देन अब स्टार्ट करते हैं, पॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। ब्राउन एंड फरी, यानी कि ब्राउन भूरी फरी, छोटे छोटे बालों वाली, नरम मुलायम बालों वाली, ठीक है। कैटरपिलर इन अ हरी, हरी कहते हैं जल्दी को, कि ब्राउन और प्यारी, यहाँ पर फरी की मीनिंग एक प्यारी, ब्राउन भूरी और प्यारी कैटरपिलर जल्दी में है। टेक योर वॉक, अपना रास्ता लो, टू द शेडी लीफ, शेडी लीफ यानी कि सायेदार पत्ते और स्टॉक डंडी में। अब जो पोएट हैं इस पोएम की, वो ये कह रही हैं कैटरपिलर को कि ब्राउन और फरी प्यारी, बुरी और प्यारी कैटरपिलर जल्दी में है, अपना रास्ता लो। कहाँ पर रास्ता लो, कहाँ पर जाने के लिए कह रही हैं, शेडी लीफ यानी कि सायेदार पत्तों में या फिर डंडी पर, और वॉट नॉट, और ये नहीं, विच मे बी द चूजन स्पॉट, जहाँ फिर जो आपने चूज किया है, जहाँ आपने जो मुंतखब किया है, जो मुकाम आपने मुंतखब किया है, उस पर चलो। नो टोड स्पाई यू, ताकि टोड कहते हैं मेंढक को, ठीक है, ताकि कोई भी मेंढक जो है स्पाई, जासूसी नहीं कर सके, आपका पीछा नहीं कर सके, क्योंकि टोड जो मेंढक है वो कैटरपिलर को खाता है। तो जो इसकी पोएट हैं वो ये कह रही हैं कि आप जो है वो छुप जाओ, ताकि कोई मेंढक आपका पीछा ना कर सके। होवरिंग बर्ड यानी कि शिकारी परिंदे, ऑफ प्रे पास बाय यू, और वो होवरिंग बर्ड यानी कि जो शिकारी परिंदे हैं वो भी आपके पास से गुजरें तो उनको पता ना चले, आप इस तरह से सायेदार पत्तों में या फिर डंडी पर छुप जाओ। स्पिन एंड डाई, स्पिन होता है घूमना, डाई मरना, घूमो और मर जाओ। टू लिव अगेन अ बटरफ्लाई, ताकि दोबारा जिंदा हो सको, दोबारा जियो, कैसे, बटरफ्लाई के तौर पर, ठीक है। तो ये पोएम लिखी है क्रिस्टिना रोस्टी ने, और इस पोएम में वो जो है कैटरपिलर से बात कर रही हैं कि दोबारा इसकी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ब्राउन और फरी कैटरपिलर इन अ हरी, यानी कि ब्राउन और फरी जो फरी कैटरपिलर हैं वो जल्दी में हैं, और अपना रास्ता लो, उन्हें शायर कह रही हैं कि टेक योर वॉक टू द शेडी लीफ और स्टॉक, और अपना रास्ता लो और चलो किसी सायेदार पत्तों में या फिर डंडी पे, और या फिर नहीं, या फिर उस रास्ते पर जो कि आपने मुंतखब किया है, ताकि कोई मेंढक और जो है आपका पीछा ना कर सके, और कोई शिकारी परिंदा जब आपके पास से गुजरे तो वो उसे आप नज़र ना आ सको, इस तरह से छुपो, और फिर जो है घूमो और मर जाओ, ताकि दोबारा जिंदा हो सको बटरफ्लाई के तौर पर। तो ये पोएम जो है इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, और ये क्रिस्टिना रोस्टी ने लिखी है। अब यहाँ पर वाइल्ड रीडिंग में हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ अ कैटरपिलर, तो कैटरपिलर का जो यहाँ पर हम कलर देखें तो ये ग्रीन है, बट कैटरपिलर डिफरेंट कलर्स के होते हैं, ग्रीन, येलो, ब्लू और मैनी कलर्स। और उसके बाद जो है पोस्ट रीडिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं। पोस्ट रीडिंग के क्वेश्चन हमारे पास है, डू यू लाइक द पोएम, क्या आपको ये पोएम जो है वो पसंद आई, इफ़ येस, अगर है वाई, तो क्यों। तो इसका आंसर मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया है, येस आई लाइक दिस पोएम बिकॉज इन दिस पोएम द पोएट पोएट इज टेलिंग अस अबाउट द स्टेजेस ऑफ लाइफ कैटरपिलर। तो मुझे ये पोएम इसलिए पसंद आई है कि पोएटिस्ट ने जो है वो हमें कैटरपिलर की लाइफ के स्टेजेस के बारे में बताया है कि किस तरह से जो है बटरफ्लाई जो है वो ग्रो करती है, कि पहले वो एग होता है, एग से जो है फिर वो, ये देखें आप, पहले क्या होता है कि पहले एग होता है, एग के बाद जो है वो कैटरपिलर या फिर लार्वा में कन्वर्ट होती है, और फिर जो है प्यूपा में क्या होता है कि कैटरपिलर जो है ना वो अपने इर्द गिर्द जो है ना जाला बना लेता है, ठीक है, उसमें छुप जाता है, देन इमर्जिंग बटरफ्लाई होती है, और इमर्जिंग बटरफ्लाई के बाद जो है ना वो फाइनली बटरफ्लाई होती है। तो इस तरह से जो है बटरफ्लाई का ये लाइफ साइकिल है, और इस तरह जो है इस पोएम में कृष्णा रोस्टी ने हमें बताया है किस तरह से कैटरपिलर जो है छुपते छुपाते जो है वो बटरफ्लाई जो है वो ग्रो करता है, यानी कि कैटरपिलर को कितने जो है वो खतरात होते हैं, कि उसे मेंढक से भी खतरा है, उसको जो होवरिंग बर्ड है उनसे भी खतरा है, तो वो किस तरह से छुपते छुपाते जो है अपनी लाइफ को जो है वो सिक्योर करता है और आगे बढ़ता है। तो आई होप के यू विल लाइक दिस वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। Goodbye, take care till the next lesson.